नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उपेंद्र कुशवाहा इधर प्रचार में थे व्यस्त, लालू यादव ने कर दिया खेल, चुनाव के बीच बड़ा झटका। तीसरे चरण के मतदान के बाद रालोमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लालू यादव ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल रालोमा के प्रदेश उपाध्यक्ष व लोजपा के पूर्व प्रत्याशी शिव शंकर सिंह कुशवाहा ने इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है। उपेंद्र कुशवाहा प्रचार में व्यस्त रहने के दौरान कई नेता उनकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी रालोमा के प्रदेश उपाध्यक्ष व लोजपा के पूर्व प्रत्याशी शिव शंकर सिंह कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजद की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की उपस्थिति में ग्रहण किया। शिव शंकर कुशवाहा ने बताया कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की नीति तथा तेजस्वी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर वे राजद में शामिल हुए हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर कई आरोप लगाए और कहा कि वे अपनी राजनीतिक लाभ के लिए समाज के किसी भी नेता को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। कहा कि वे शुरू से ही महिलाओं और पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। काराकाट से चुनाव लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ पवन सिंह और भाकपा से राजा राम सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।